अच्छा कितना ही सर सर बनने, शुरू में 6 महीने 1 साल मज़ा आएगा आपको, चाहे आईपीएस बने चाहे आईएएस बने, उससे ज़्यादा मज़ा है नहीं उसमें। पहली बार तो मज़ा आता है कि आप नेहरू विहार से निकले और आपको तो अपने बारे में पता ही है सब कुछ, मसूरी पहुंचे लोगों ने कहा सर सर आई आई सर सर साइन कर दीजिए सर, आपको लग रहा है कि मुझसे ही कह रहा है किसी और से तो नहीं कह रहा आपको बड़ा अच्छा लग रहा भाई, अरे आपको आदत थी लाइन में लग के काम करवाने की, किसी तरह से बीच में घुस गए लाइन में वो सब करने की आदत थी, अब वहाँ कह रहे सर आइए आप सर आप भारतीय पुलिस सेवा में हैं सर आइए सर आइए, एक कमरा दिया रहने के लिए, आपको भरोसा नहीं हो रहा कि कमरा मुझे दिया है, आप नेहरू व्यस्त तुलना कर रहे हैं, इसमें तो खिड़की भी है इसमें तो धूप भी आ रही है, इसमें तो एसी भी है और कंप्यूटर भी साथ में मिल रहा है, वाईफाई भी फ्री में है। फिर आपको कहते हैं कि सर शाम को खाना खाने के लिए आ जाइए, खाना खाने गए तो वैरायटी देख के आप चौंक जाते हैं, 30-35 डिशेस बनी हुई हैं, और फिर आपने पूछा कितना ले सकते हैं, बोले कोई लिमिट नहीं है सर आप और ये मतलब कॉमन में से आपके सैलरी में से कटना है, सबका बराबर कटता है, तो आप आराम से निश्चिंत होकर खाइए। नाश्ते में 10 वैरायटी हैं, पहली बार देखे कॉर्नफ्लेक्स नाम की चीज़ भी कुछ लोग खाते हैं वहाँ पर, हर चीज़ उपलब्ध है। तो वहाँ जाके नेहरू विहार वाले बच्चों का पेट खराब होता है ज़रूर 5-6 दिन में, क्यों 3-4 दिन में वो घीसू माधव की तरह खाते हैं उनको उनको लगता है कि ये सुख पता नहीं कब नसीब हो उसके बाद। फिर धीरे धीरे 3-4 महीने में एहसास होता है कि नहीं ये जीवन भर मिलने वाला है, और जब ये एहसास होता है कि जीवन भर मिलने वाला, तो फिर थोड़ा कंट्रोल आना शुरू होता है कि नहीं ठीक है। फिर कोई आपके सामने अच्छा सा पराठा मक्खन, आप कहें नहीं अभी मन नहीं कर रहा ले जाओ अभी, ये नेहरू विहार में नहीं हो सकता ये भाव वहाँ तक आ जाओ, यहाँ तो होता है ले आओ ले आओ ले आओ ये ले आओ एक और ले आओ कहीं और से मिले वो भी ले आओ, पर वहाँ वो भाव वही होता ना कि जो चीज़ आपको मिल जाती है आप उसके सहज हो जाते आदि हो जाते, मनोविज्ञान ऐसे ही काम करता है।